हमारे कल्चर के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत अब ये आनी स्टार्ट हो चुकी है कि हमें हर बात के लिए वेस्टर्न कल्चर का एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है। लेट से कि मैं मंदिरों की बात करता हूं, जैसे कि थोड़ी देर पहले हमारी मंदिरों की बात हुई। मंदिर क्यों जरूरी है, मस्जिद क्यों जरूरी है, चर्च गुरुद्वारा ये क्यों जरूरी है? क्या किसी अंधविश्वास के लिए, या भगवान से मिलने के लिए, या इसलिए क्योंकि आप वहां पर जाकर सर्टेन रिएक्शंस आपके दिमाग में होते हैं और आपको बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाता है। बट आज के टाइम पे आप किसी से बहस करने उतरोगे, या तो वो रिलीजियस बहस हो जाएगी, या वो धार्मिक हो जाएगी, या फिर कोई आपको बोलेगा कि आप अंधविश्वास करके इस बात को मानिए, आस्था का विषय मान लीजिए। बट वाकई में मंदिर बने क्यों थे, उनकी नींव क्यों थी, इस बारे में सबने बात करना बंद कर दिया क्योंकि किसी अंग्रेज ने आकर उस पर वैलिडेशन नहीं दिया, या उन्होंने आके बोलना स्टार्ट कर दिया कि वाह देखो कितनी अच्छी बात है, ये लोग मूर्ख लोग हैं, ये लोग अंधविश्वास लोग हैं, 24 घंटे मंदिरों में पड़े रहते हैं। जब एक अंग्रेज मंदिर में नाचता हुआ दिखता है तो आपकी भक्ति भाव बढ़ जाते हैं, अरे वाह अंग्रेज नाच रहा है, ये तो श्री कृष्ण का भक्त है। ऐसा क्यों? हमें उनसे ये सर्टिफिकेट कब से चाहिए हो गया कि हमें अपनी जिंदगी को किस तरीके से आगे चलाना है? हमारे ग्रंथों को हमने फोकस क्यों नहीं किया? हमने इस बात पर फोकस क्यों नहीं किया कि गीता में इतने साल पहले ये बात क्यों कही गई, हजारों साल पहले? या तो कोई बाबा आएगा, वो भगवत गीता का पाठ करेगा, आप लोग आंखें बंद करोगे, 99% लेडीज जो भगवत गीता के पाठ में जा रही है उनको ये बात पता ही नहीं होती कि उसके अंदर लिखा क्या गया है, क्यों लिखा गया है। आंखें बंद करेंगे, रोने लग जाएंगे और श्री कृष्ण का पाठ हो रहा है। भक्ति बुरी नहीं है, भक्ति इज समथिंग विच अलाइन योर सेल्फ, बट भक्ति करने से पहले उसका एसेंस तो समझो कि श्री कृष्ण ने ये बात बोली क्यों थी। और या फिर अंग्रेज आकर उसके एमबीए के नोट्स बनाकर आपको बेचना स्टार्ट कर दे, मोटिवेशनल स्पीकर आकर बेचना स्टार्ट कर दे, तो आपको अच्छा लगने लगेगा कि हाँ यार बात तो बड़ी अच्छी करी, अरे यही बात तो संस्कृत के अंदर वो लिख के गए हैं। सबसे ज्यादा हमारे साथ में प्रॉब्लम ये है कि हमें हर बात के लिए किसी दूसरे का एक फुल प्रूफ सर्टिफिकेशन चाहिए। और इसी बात को दूर करने के लिए मैं ये फ्री वास्तु कोर्स लेके आया हूं कि खुद सीखकर एक्सपीरियंस तो करके देखो कि ये काम करता भी है कि नहीं। क्यों लाखों करोड़ों रुपए की रेमेडीज लगाने पे यकीन करते हो? क्यों कोई आपके घर पे आए लाखों करोड़ों रुपए की तोड़फोड़ करा दे? और कोई भी इंसान आपको सिखाने पर यकीन ही नहीं करता। आप मैंने थोड़े दिन पहले किसी सो कॉल्ड मॉडर्न बाबा का इंटरव्यू देखा, उन्होंने बोला कि वास्तु काम नहीं करता, लेकिन उनके सारे स्पेसेस वास्तु के हिसाब से बने हुए हैं, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बने हुए हैं। पर वो काम ना करने के पीछे उनका यकीन होगा, लेकिन वो सिखाने पर बात नहीं करते कि आप लोग सीखिए कि ये काम करता है कि नहीं करता। सिखाना, एजुकेट करना बहुत जरूरी है, और हमारे गुरुकुल में हर बात को सिखाया जाता था, एजुकेट किया जाता था। हमारे साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम रट्टाफिकेशन के एक पार्ट हो गए हैं। ये सभी को एक इंजीनियर बनना है, एक आर्किटेक्ट बनना है। आर्किटेक्ट एक ब्रांच है वास्तु की, शिल्प शास्त्र की, वहीं से आर्किटेक्चर का जन्म हुआ। तो फिर क्यों हमें हर बात के लिए प्रूफ चाहिए उन्हीं का? हम लोग व्रत की बात करते हैं, आज साइंस बोलती है कि कैंसर जिसको हो जाता है, या जो लोग एक महीने में एक बार भूखा रहते हैं उनको कैंसर नहीं होता। हम लोगों का एकादशी का व्रत बहुत कॉमन है, हर साल हर महीने हर व्यक्ति इसको करता आया, पर हम लोग उस पर यकीन नहीं करेंगे, उसको अंधविश्वास बोलना स्टार्ट कर देगी आज की जनरेशन। या जो लोग करते हैं वो भी उसको अंधविश्वास के रूप में करते होंगे, कोई साइंटिफिक रूप से नहीं करता होगा कि ऐसा क्यों होता है। उस दिन चंद्रमा अब बढ़ना स्टार्ट हो रहा है या ढलना स्टार्ट हो रहा है, वो उसके एक सर्टेन पीक पर होता है। ऐसे बहुत सारे साइंटिफिक फैक्ट्स हैं जिनको यकीन करके आप अपनी जिंदगी को और अच्छा बना सकते हो। बट आपको किसी और का सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, आपको खुद का एक्सपीरियंस चाहिए जो कि आपको सीख कर एजुकेशन से या लर्निंग से ही मिल सकता है बस। अब अमेरिका में न्यूयॉर्क में एक न्यूरो वेव पैटर्न्स का एक कॉन्सेप्ट आया है, जिसमें अगर आप 7 चक्कर लगा लेते हो तो आपका दिमाग रीअलाइन हो जाता है, रीस्ट्रक्चर हो जाता है, आपके दिमाग से थॉट निकल जाती है और आप फ्री माइंड हो जाते हो, आप मेडिटेटिव माइंड के हो जाते हो, आपकी डिप्रेशन दूर हो जाता है। हमारे मंदिरों में 7 चक्कर लगाने का कॉन्सेप्ट कब से है? आप लोग तो बहुत समय से मंदिर जाते रहे होंगे, पर हम लोग उसको भी अंधविश्वास के तरीके से मानते हैं। कभी किसी ने यह नहीं सोचा कि गणेश जी की जो मूर्ति लगी हुई है उसको बताने का पर्पज क्या है? गणेश जी सबसे ज्यादा जाने जाते हैं जिनमें बुद्धि है, जिनमें दिमाग है, लेकिन हमें अगेन उस मंदिर में जाने के लिए एक अंधविश्वास चाहिए। कोई आपको बोल दे, आपके पेरेंट्स बोल दे, उनमें दिमाग क्यों दिखाया गया? एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें बॉडी ह्यूमन की है, ताकत ह्यूमन की है, लेकिन दिमाग के लेवल पर जो ताकत है
वो हाथी के बल जीतती है। सो आपको हर चीज की स्ट्रक्चरिंग की बहुत जरूरत थी, जो कि पहले हमारे स्टडी के पार्ट की, एजुकेशन के पार्ट थी, बट अब क्योंकि हम सभी लोग अंग्रेजी मानसिकता से गिरते चले जा रहे हैं, वो बुरा नहीं है। हर कल्चर को पढ़ना, उससे प्रभावित होना बुरा नहीं है। अच्छे कपड़े पहनना, वहां के कपड़े पहनना, यहां के कपड़े पहनना, कुछ भी बुरा नहीं है, पर उसी से अपना स्टैंडर्ड बना लेना, इंग्लिश एक स्टैंडर्ड बन जाना, संस्कृत को डिग्रेड करना, अभी थोड़े दिन पहले किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने संस्कृत को डिग्रेड करने की बात करी, बड़ी मूर्खताई वाली बातें एकदम से करने स्टार्ट कर देते हैं लोग। हमें क्यों किसी कल्चर से इतना प्रभाव डाल लेना है कि वो हमारी ही जिंदगी को खराब करना स्टार्ट कर दे? बस इसीलिए मैंने ये फ्री वास्तु कोर्स का कॉन्सेप्ट रखा, ताकि हम सब लोग मिलकर सीख पाए, मैं सिखा पाऊं, और आप खुद एक्सपीरियंस भी कर पाए कि यार ये कैसे काम करता है। दैट्स इट। इसमें कोई रेमेडीज नहीं बेची जाती, किसी तरीके का कोई सामान नहीं बेचा जाता, ताकि आने वाली जनरेशन इस पर यकीन कर पाए और आगे बढ़ पाए।